हे गाइस, वेलकम टू अमित राव कार रिव्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के प्रेस्टीज और उसके अलावा प्रेस्टीज प्लस मॉडल के बारे में। तो ये दो गाड़ी आपको जो सामने खड़ी दिख रही है, एक इसमें से है प्रेस्टीज डीजल वेरिएंट, उसके अलावा एक है प्रेस्टीज प्लस डीजल वेरिएंट। तो दोनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी डिमांडिंग में आती है और दोनों पर वेटिंग रहती है। डीजल गाड़ियाँ वैसे मिलती बहुत कम है किया की तरफ से, पर जिनको मिलती है सफिशेंट सारे फीचर आ जाते हैं इनके अंदर। वो इन दोनों के बीच में मैं बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा गाड़ी चूज करने के लिए कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं या अपना पैसा बचा के बाहर से कुछ काम कराना है, कौन सा वेरियंट आपके लिए सुटेबल रहेगा, ये वीडियो पूरा उसके बारे में होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस तरीके की वीडियो और भी आती रहती है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे कुछ भी कोई सवाल आपका पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो ये वाली जो आप गाड़ी देख रहे हैं सामने, ये है प्रेस्टीज मॉडल। उसके अलावा ये वाली जो आप गाड़ी देख रहे हैं प्रेस्टीज प्लस मॉडल है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपको जो DRL है वो दोनों ही ऑन दिखेंगे, पर आप अगर पास से देखेंगे तो इसके अंदर ये फेक वाले DRL आते हैं। उसके अलावा ये वाले जो है ये ऑलरेडी जले हुए हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जो प्रेस्टीज मॉडल है इसका एक शोरूम प्राइस डीजल के अंदर 13,34,900 रुपये एक शोरूम हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा अगर प्रेस्टीज प्लस की बात करते हैं तो 14,84,900 रुपये का ये देखने के लिए मिल जाता है हरियाणा के अंदर। अब यही डिफरेंस को अगर हम ऑन रोड में कंपेयर करते हैं तो 15,08,595 रुपये का प्रेस्टीज मॉडल देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा प्रेस्टीज प्लस की बात करते हैं तो 16,76,173 रुपये का ये हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। जो भी प्राइस मैंने आपको बताए हैं बिना एक्सेसरीज और वारंटी के हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये ऑन रोड प्राइस आप इनको कह सकते हो। अब डिफरेंस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो प्रेस्टीज मॉडल है जिसके अंदर ये आप गाड़ी देख रहे हैं सिल्वर कलर की, जिसके अंदर सिर्फ 3 कलर ऑफर किए जाते हैं अपने को। जो ये आप देख रहे हैं स्पार्कलिंग सिल्वर कलर आता है, उसके अलावा ग्रेविटी ग्रे कलर आता है और एक क्लियर वाइट कलर देखने के लिए मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ 3 कलर ही देखने के लिए मिलेंगे। अगर कोई भी डार्क कलर आपको पसंद है प्रेस्टीज मॉडल के अंदर, तो वो आपको प्रेस्टीज के अंदर जो ग्रेविटी ग्रे आता है वो कलर आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 और कलर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि अरोरा ब्लैक पर्ल खड़ा हुआ है, इंपीरियल ब्लू आता है और इंटेंस रेड करके कलर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो 3 कलर इसके अंदर थे वो तो है ही, प्लस में इसके अंदर 3 कलर और एडिशनल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जिनको भी ब्लैक कलर पसंद है उनको कम से कम प्रेस्टीज प्लस मॉडल के ऊपर जाना पड़ेगा डीजल के अंदर, वो तब देखने के मिलता है। अब शुरुआत करते हैं इनके अंदर एग्जैक्टली एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले आपको प्रेस्टीज मॉडल दिखा देता हूँ। तो प्रेस्टीज मॉडल में आप देखेंगे तो ये इसका फ्रंट लुक आता है प्रेस्टीज मॉडल का। इसके अंदर आपको सेम यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई कि ये DRL नहीं है, फेक डिज़ाइन दिया गया है, सिर्फ डिज़ाइन ऐसा है, एक्चुअल में इसके अंदर लाइट है नहीं। ये आप देखेंगे हैलोजन की लाइट आती है लो बीम हाई बीम के लिए, इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है। और ये आप सेंटर में ये देखेंगे तो सिल्वर कलर की ये जो बेल्ट है ये देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको इस वेरिएंट के साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं, पूरा सिल्वर है, यहाँ पे भी सिल्वर है, यहाँ पे भी सिल्वर है और ये गाड़ी भी सिल्वर कलर की है, तो ये पूरा मैच हो जाता है। अब बात करते हैं ये इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब जाते हैं प्रेस्टीज प्लस के अंदर, तो इसका आप फ्रंट का लुक देख सकते कुछ इस तरीके का आ जाता है। इसके अंदर यहाँ पर आपको DRL देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे सेम हेडलाइट का सेटअप है, जो उसके अंदर हेडलाइट का सेटअप था वही सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो बेल्ट लाइन है ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे क्रोम के अंदर हो जाती है, उसके अंदर अपनी सिल्वर कलर के साथ में दी। तो फ्रंट के अंदर ये डिफरेंस आप लगा सकते हैं। बाकी यहाँ दूर से देखेंगे गाड़ी को तो सेम ही दिखने के लिए मिलती है, फ्रंट के अंदर सिर्फ DRL और इसकी जो ये बेल्ट लाइन आती है क्रोम की, इसको छोड़ के कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक चीज़ और बच जाती है जो कि रह जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चाबियों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो चाबी कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है हमें। अगर प्रेस्टीज के साथ देखेंगे तो आपको फ्लिप की आती है, जिसके अंदर आपको चाबी मैन्युअली लगानी पड़ेगी, लॉक अनलॉक और स्टार्ट करने का इसमें कोई भी स्विच नहीं दिया गया है, सिर्फ आप बूट ओपन कर सकते हैं। ये 3 स्विच आते हैं प्रेस्टीज के साथ में। और प्रेस्टीज प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की की देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको गाड़ी को बाहर से आप स्टार्ट भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा अगर गाड़ी लॉक होगी तो ये होल्ड बटन दबा के रखेंगे, हैंड ब्रेक पूरा इंगेज होगा तो गाड़ी सेल्फ ले लेगी। तो ये कंडीशन आ जाती है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी जैसे कि अभी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ऐसे करके आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर पाएंगे और ये इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो रिमोट इंजन स्टार्ट का ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है प्रेस्टीज प्लस में, जो कि प्रेस्टीज के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब चाबी की बात हो तो साइड प्रोफाइल में जाते हैं, तो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि जो रूफ रेल है वो सेम इसके साथ में दिखाई दे रही है, जो ये क्रोम की बेल्ट लाइन है, क्योंकि ये प्रेस्टीज प्लस मॉडल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम की पूरी बेल्ट लाइन है, ये प्रेस्टीज प्लस के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा गाड़ी अगर लॉक अनलॉक करेंगे आप तो ये जो विनिंग मिरर है
ये अपने आप ओपन या क्लोज हो जाते हैं प्रेस्टीज प्लस मॉडल के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अभी क्लोज है, उसके अलावा यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। अगर इनका सेक्शन में दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं 205/65 R16 का देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके के कुछ अलॉय व्हील आते हैं, टायर प्रेशर, चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक, ये सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड आते हैं इन गाड़ियों के साथ में, दोनों में ही सेम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये साइड प्रोफाइल का हो जाता है। अब मैं आपको प्रेस्टीज दिखाता हूँ कि प्रेस्टीज के अंदर कुछ इस तरीके का लुक देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो टायर साइज है सेम दिया गया है, पर वहाँ पे अलॉय व्हील थे और यहाँ पे आपको नॉर्मल व्हील कैप के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो ये मिरर आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, वैसे फोल्ड नहीं होंगे। और यहाँ पे कोई भी जो क्रोम की बेल्ट लाइन आती है यहाँ तक इसका कोई भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये वाली चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो साइड के अंदर डिफरेंस की बात करते हैं तो मेनली यही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी बेल्ट लाइन देखने के लिए नहीं मिलेगी, साइड वाले मिरर फोल्ड नहीं होंगे, उसके अलावा अलॉय व्हील का। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह इसके अंदर जो अलॉय आते हैं कुछ इस तरीके के आते हैं और इसके अंदर इस तरीके के आते हैं। यहाँ पे पूरी बेल्ट लाइन देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे पूरा ब्लैक आ जाता है। मिरर फोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं फोल्डिंग का, ये आ जाता है इसका साइड का। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल आप कुछ देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों का मिलता जुलता सा नजर आएगा आपको, बिल्कुल सेम लग रहा है। जो मेन डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे वो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आएगा। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर वाइपर, डिफोगर और वॉशर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस वेरिएंट के साथ में आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी पार्किंग सेंसर सेम आते हैं और जो सारी चीज़ें हैं सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे LED जो लाइट आती है देखेंगे तो ये वाली जो लाइट है यहाँ पे LED हो गई है, और यहाँ पे अपनी जो आती है वो हैलोजन के साथ में आती है, मतलब एक बल्ब लगाया गया है, वो जब ऑन होगा तो वो ऐसा दिखेगा कि LED के अंदर है पर होता है हैलोजन ही है। तो रियर के अंदर ये डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। अंदर चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाबी से ही आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद इंटीरियर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, सेम दोनों मॉडल के साथ में सेम देखने के लिए मिलता है। सेम सीटें आती है, सिर्फ कुछ फीचर्स का डिफरेंस आता है, वो आपको मैं बता देता हूँ जो भी फीचर का डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे चारों पावर विंडो आ जाती है, उसके अलावा उसके अंदर इसको फोल्ड अनफोल्ड करने का एक स्विच भी ऐड हो जाता है यहाँ पे, जो कि इसके अंदर नहीं है प्रेस्टीज के अंदर। प्रेस्टीज प्लस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेम हाइट एडजस्टमेंट, 6 एयरबैग, ECM, वो सारी चीज़ स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाती है। स्टेयरिंग पे जो कंट्रोल आते हैं वो भी सेम आते हैं यहाँ पे, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम है वो भी सेम देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर मैनुअल ACM, जो प्रेस्टीज प्लस आएगा उसके अंदर ऑटोमेटिक AC देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट इसके इंटीरियर के बाद। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर का स्विच आता है, उसके अंदर भी सेम देखने के लिए मिलेगा। गियर लीवर देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का आता है यहाँ पे, कोई भी लेदर रैप का यूज़ नहीं किया गया। स्टेयरिंग के ऊपर भी नॉर्मल स्टेयरिंग देखने के लिए मिलता है। बाकी जो AC वेंट है वो तीनों रो में देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। लास्ट तक आप देखेंगे तो AC वेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो लाइट है वो भी हैलोजन की आती है, ये वाली चीज़ आती है। अब यहाँ पे आप ये वाली चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जो AC का फ्लो है उसका वो नहीं दिया गया, मतलब जो भी आप ड्रिंक रखेंगे वो ऐसी की ऐसी रहेगी। प्रेस्टीज प्लस में ये आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या डिफरेंस आता है, ये मैं आपको अभी क्यों दिखा रहा हूँ। अब रियर सीट और दिखा देता हूँ कि अंदर क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दिखाऊँ रियर सीट के अंदर तो यहाँ पे भी आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा जिससे डील ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी सनशेड कर्टन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये चीज़ आ जाती है। उसके अलावा अंदर चलते हैं तो सेम वन टच का ऑप्शन यहाँ पे सीट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपने देखा होगा। उसके अलावा AC के कंट्रोल यहाँ पे, इसके नीचे जाएंगे तो दो चार्जिंग पॉइंट आ जाते हैं। अब जो डिफरेंस है यहाँ प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस के अंदर वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई भी कूलिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अंदर देख सकते हैं पूरा ब्लॉक है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। बाकी पॉकेट वगैरह का जो आता है वो नॉर्मल है सीटों की, आप देख सकते हैं पूरा रियर का भी, इसका थर्ड रो भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आता है, ये वाली चीज़ पूरी देखने के लिए मिल जाती है। ये प्रेस्टीज का हो जाता है। अब मैं आपको प्रेस्टीज प्लस और दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है। प्रेस्टीज प्लस के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, जब भी आप दबाएंगे इसको दबा के गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे आप। उसके बाद सेम वही जो मैंने आपको दिखाया था कि सेम इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है हमें, ड्यूल टोन आता है। उसके अलावा सेमी लेदरेट सीटें दोनों के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आता है कि ऑटो हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, इसको यहाँ पे करेंगे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगी। वाइपर मैनुअली आते हैं सारे, पर इसके अंदर एक स्विच ऐड हो जाता है जो कि लास्ट का वाइपर है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रेस्टीज प्लस में आता है। स्टेयरिंग के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने को देखने के लिए।
बार ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आता है। उसके अलावा लिमिटर भी आ जाता है, यहाँ ये वाले क्रूज कंट्रोल के स्विच आ जाते हैं, ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसके अलावा सेम म्यूजिक सिस्टम है, सेम टच वाले कंट्रोल है। उसके नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक एयर कंडीशन आ जाता है प्रॉपर। नीचे सारी चीज़ सेम है, गियर लीवर भी सेम आता है, स्टेयरिंग भी सेम आता है। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एसी के हैं यहाँ पे छेद दिए गए, तो इसके अंदर एसी की जो हवा है, ड्रिंक वगैरह आप रखेंगे तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ से एसी की जो हवा है वो इसके अंदर आने लग जाती है। बाकी लाइटें वगैरह सेम हैलोजन के साथ ही आ रही है, और यहाँ पे कोई भी मेनली इसके अंदर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये फ्रंट का होता है, रियर में और दिखा देता हूँ आपको जो डिफरेंस आता है। थर्ड रो के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट कर्टन आ जाते हैं जो कि प्रेस्टीज के अंदर नहीं थे, तो प्रेस्टीज प्लस में आपको एडिशनल देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे और डिफरेंस की बात करता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ड्रिंक का इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हवा आ जाती है, तो यहाँ से इसके अंदर कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आगे और पीछे कैन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, बोतल वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हैं, तो उसके अंदर एसी की हवा सेम आएगी। बाकी सेम सीटें आ रही है, सेम सब कुछ आ रहा है। इन दोनों मॉडलों के अंदर जो डिफरेंस आता है प्राइस का वो लगभग 1.5 लाख रुपए का देखने के लिए मिल जाता है एक्स शोरूम के ऊपर। तो ये डिफरेंस ऑन रोड में लगभग 170 के आसपास चला जाता है। तो अब आप देख सकते हैं 1.5 लाख के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। एक बार मैं छोटा में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। DRLs आ जाती है, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील एक्स्ट्रा देखने के मिल जाता है 16 इंच के, क्रोम बेल्ट लाइन आ जाती है, रिमोट इंजन स्टार्ट देखने के लिए मिल जाता है, मिरर अपने आप फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, उसके अलावा क्रूज कंट्रोल, लिमिटर देखने के लिए मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी आ जाता है इसके अंदर, उसके अलावा जो कैन है, जो कप होल्डर है वहाँ पे कूलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मेनली यही चीज़ें आ जाती है, पीछे एक वाइपर वॉशर डिफोगर, ये चीज़ें हो जाती है। तो जिनको बेसिक गाड़ी चाहिए अपनी, जिनके अंदर कोई भी मतलब सिर्फ काम निकालने वाला चीज़ हो जाता है, तो इसके अंदर भी सारे फीचर आते हैं, टच म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक हेडलाइट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, जो मैंने आपको प्रेस्टीज प्लस में बताया था दोनों के अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, वन टच अप एंड डाउन आ जाता है। तो बेसिकली सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं प्रेस्टीज के अंदर भी, सिर्फ जो एडवांस फीचर आते हैं उसके लिए आप 1.5 लाख एक्स्ट्रा देना चाहते हैं नहीं देना चाहते वो मैं आपके ऊपर पूरा चीज़ छोड़ देता हूँ। आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि 1.5 लाख रुपये आप देके प्रेस्टीज प्लस के साथ जाएंगे या प्रेस्टीज के साथ जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे को प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं क्रूज कंट्रोल का भी यूज़ करता हूँ। उसके अलावा गाड़ी की लुक होती है वो अलॉय व्हील की वजह से अलग दिखने लग जाती है, प्लस में ब्लैक कलर मेरा फेवरेट भी है, पर जैसे इसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई ऐसे आपको ब्लैक कलर पर हमेशा उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये मेन मेन डिफरेंस आ जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वेरियंट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। बाकी इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी डेफिनेटली लेकिन आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ARK मोटो व्लॉग्स के नाम से, या आप अमित राव कार रिव्यूज़ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आपको चैनल मेरा जो है वो शो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।